अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेरी गुड नाइट एंड इवनिंग। वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं फिरोज हैदर, और आज का ये व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हम अपनी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आज खतौली से कश्मीर और वाया पंजाब होते हुए जाएंगे। हम अपनी स्विफ्ट से जा रहे हैं कश्मीर, और बीच बीच में जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करेंगे, कोशिश करेंगे सभी इस व्लॉग में हम कैप्चर करते हुए आप लोगों को भी शो कराएं, ताकि जो लोग जाना चाहते हैं बाय रोड जर्नी करके कश्मीर, उनको इस वीडियो, इस व्लॉग की मदद से फ़ायदा हो सके। सब खर्चा वगैरह सब मैं आपको इसमें शो करूंगा, कितना खर्चा हम लोगों का आएगा, कितना आना है, क्या क्या किन चीज़ों की सावधानियां हमें बरतनी है। साथ में हम लोग जा रहे हैं स्विफ्ट से, चार लोग हैं, चारों लोगों से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। रात का तकरीबन 8 बजे का टाइम है, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की है मुजफ्फरनगर से। तो अभी जो हमारे साथ में हमारे कलीग्स हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले ये हैं, हाय करो, और ये पीछे हमारे भाई और दो लोग पीछे बैठे हुए हैं। सब लोग हम जा रहे हैं कश्मीर। तो नेक्स्ट, अभी रास्ते में भी थोड़ा सा जो रास्ता है ये अच्छा नहीं है, बैक कैमरा करना ज़रा। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम राणा चौक से होते हुए शामली होते हुए, ये नया हाईवे बना है जो पानीपत खटीमा राजमार्ग है, ये शामली में हम एंटर कर गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए प्ले स्पीड मैंने बढ़ा के इसको। अब ये करनाल हाईवे पर हम चढ़ गए हैं, और ये मुल्तान हाईवे कहलाता है, दिल्ली मुल्तान हाईवे पर। हम ये झिलमिल ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हैं रात में, फिर वापस चल दिए हैं, और लुधियाना क्रॉस करते हुए पठानकोट जम्मू पहुंचेंगे, और जम्मू के बाद we'll be right back.
अभी आगे अनंतनाग आने वाला है और ये अनंतनाग का स्ट्रीट फूड है। ये मीट का कोई डिश है, जैसे टिक्का होता है, चिकन टिक्का वगैरह, और इसका हमने लुत्फ़ लिया, यहाँ स्ट्रीट फूड खाया अनंतनाग में, क्योंकि पहलगाम के रास्ते में ये अनंतनाग पड़ा तो हम यहीं पे कुछ खाने के लिए रुक गए ये स्ट्रीट फूड देख के, और इसका जायका लिया। यहाँ स्ट्रीट फूड की ये दुकानें लाइन से लगी हुई थी, चार पांच लाइनों में दुकानें थी ये, और यहाँ पे हमने रुक के इस स्ट्रीट फूड का लुत्फ़ लिया। अनंतनाग का बनिहाल चौक है ये, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, और ये केपी रोड कहलाता है। जो केपी रोड का मतलब हमें मालूम नहीं है, लेकिन केपी रोड बनिहाल चौक शायद ये है। यहाँ हमने पहलगाम पहुँच के ये रूम लिया, जो मात्र 1,000 रुपये पर रूम में हमें मिला। चार लोग थे तो दो रूम हमने लिए। रूम देखिए, बहुत अच्छे बता रूम मिले हैं दूंगा हमें, वो चला गया फैसिलिटी, उसमें। गर्म पानी, गीज़र और LED, फ्री वाईफाई, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। साजिद डिनर चला भी गया हमने यहीं उसमें। पहलगाम में इस होटल में पहुंच के किया। कश्मीर हाउस के नाम से ये होटल था पहलगाम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 14 नवंबर है, सुबह 8:30 बज रहे हैं और मैं अपने होटल ये कश्मीर हाउस जिसमें हमने स्टे किया हुआ है इससे बाहर निकल के आया हूँ। पहलगाम चंदनवाड़ी रोड है ये, और देखिए गाड़ी पे कैसे किस तरह, जैसे हमारे यहाँ ओस जम जाती है वैसे बर्फ जमी हुई है यहाँ पे शीशे पर। ये क्रोम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। तू बिल्कुल चीनी नहीं पीने का? शुगर है इसे, चिक्की शुगर है। गाइस, ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, शुरू कर दे इसमें हमें। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कश्मीर में पहलगाम, सुबह ही सुबह अंडा और 11 बज पराठा। रहे हैं और 11 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 बजे हुए हों। और ये जो इंजॉयमेंट है हिल एरिया में ही आता है, सुबह को नाश्ते में धूप में बैठ के नाश्ता करना। ब्रेड ले रहे हैं और अप्रोक्सीमेट आज का टेम्परेचर 7 डिग्री के करीब है। लेट कर दिया थोड़ा। ओह, चाय भी एक नंबर की इधर तो भाई जान। ले लिए भाई, ले लिए, पकड़ लिए। एक सेकंड भाई, एक बात मैं ये कहना चाह रहा, देख यहाँ आए, क्या मंगाया आपने? ये पराठा है, आलू का पराठा। इधर सुन लो, इसकी सुन लो भाई। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं पहलगाम में। जो सबसे ज़्यादा मशहूर जगह पहलगाम में है वो है बेताब वैली के नाम से, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं, और रास्ता भी सिंगल रोड ही है जैसे सभी हिल एरियाज़ में होते हैं। यहाँ हम जा रहे हैं बेताब वैली, और वहाँ पे जाके हमें घूमना है। बेताब मूवी की शूटिंग जहाँ पे हुई है ये उसी मूवी के नाम से फेमस है, और बेताब वैली घूमने के लिए निकले हुए हैं। गाड़ी ड्राइव मैं ही कर रहा हूँ अभी भी, और लगभग 850 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। पहलगाम तक चल चुकी थी 850 किलोमीटर, और जैसा कि स्विफ्ट में मैं आपको बता रहा था, कंफर्ट बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे फील नहीं हुई 850 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने में।
और ये बेताब वैली लगभग हम पहुंच गए, और ये हम पहुंच गए हैं बेताब वैली पहलगाम कश्मीर। ये देखिए फ्रेंड्स, बेताब वैली का नज़ारा। पहलगाम में हैं हम, और माशाल्लाह लग रहा है कि भाई ये अभी तक हमने सिर्फ फिल्मों में मूवीज में देखा था। और हॉर्स राइडिंग करने हम जा रहे हैं अभी, हॉर्स राइडिंग करेंगे, तय कर लिया है। ये देखो नदीम कैसे उछल कूद कर रहा है। और ये हमारे NRI गुलशेर अली जैदी साहब, ये अपना गोल्डन टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंडिया में। इससे अच्छा व्यू अभी कहीं पे इंडिया में नहीं आ सकता है भाई, माशाल्लाह। ये बेताब वैली में एक छोटी सी रिवर बह रही है, बहुत अच्छा व्यू है यार। टोटल आपको आधा घंटे में वापस जाएगा। और ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं लोग। घोड़े कहाँ है? हाँ सर इधर ही है। फाइट ब्रेक का शो। ये कीचड़ वाला रास्ता हो रहा है। और रुको ना, क्यों चला रहा है? चलाने से घोड़ा डरेगा। आप पीछे जाएगा, ये कमर समझा दो। ये भाई दुबई, ओहो दुबई से यहाँ से आए, ये देखो भी तो क्या लिया, घोड़ा खिचर देख। मैं दुबई वालों को क्या लिया, क्या दुबई वाले ग्रुप में आज रात को देखियो। ओ भाई कम से कम ऐसे आली हो गए, यहाँ से खतुल्ली इतनी हाइट नीचे है बाबा भैया। मैं बस भाई वो कहाँ ले जा रहा हमें। खुदा की कसम इतने ऊपर आ गए बस, जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं बहुत मैं पी का मैं दिखा रहा था तो मेरी जामा दिखा। भाई आप गाड़ी ना चढ़ने की भाई फिरोज। भाई घोड़े घोड़े भी हाँप गए हैं खुदा की कसम, बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं। और ये फिरोज भाई ले जा रहे परे को पिकअप, डायना कर दे तुम्हारा। भैया इधर बुलाइए इसे। भाई उल्ला वाला लगाम खींचो, हल्का सा उल्ला वाला लगाम खींच दिया करो। भैया वीडियो तो बना दो यार। मैं बन तो रही वीडियो भैया। फिरोज पूरा पटना जाए परे को। अल्लाह मालिक उल्ला वाला लगाम खींच लो हल्का सा। मैं भैया के लगे उसे लूंगा कारखाना में। चलो चलो जो ये बेताब वैली में वो जगह है जहां पर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई है। और बेताब वैली में आगे वाला पॉइंट है, इसको नाग वैली बोलते हैं। ये पोनी चलाने वाले जो लड़के थे उन्होंने हमें बताया पोनी। ये अभी भी हम नाग वैली में चल रहे हैं,
ये नाग वैली है और यहाँ पर हमने थोड़ा फोटो शूट कराया। जो पोनी राइड वाले लड़के थे उन्होंने ही हमारा, पोनी राइड वाले लड़कों ने ही फोटो शूट भी किया। और ये एक रिवर बह रही है वहीं बेताब वैली और नाग वैली व्यू पॉइंट्स पर, जहाँ बेताब वैली से वो लेकर जाते हैं नाग वैली होते हुए। ये यहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी का शूटिंग हुआ, ये भी यही लड़के लोग बता रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट कराने के लिए उन्होंने अपने पोनीज़ को रोका और हमें नीचे उतार के थोड़े से फ़ोटो शूट्स कराए, क्योंकि ये जो जगह थी बहुत अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था यहाँ से। तो उन्होंने फ़ोटो शूट के लिए हमें नीचे उतारा और ख़ुद हमारे मोबाइल कैमरों से फ़ोटो शूट किए। और ये नाग वैली का नज़ारा देखिए, बेताब वैली और नाग वैली का नज़ारा कितना खूबसूरत है। जैसे कश्मीर की वादियों को खूबसूरती का दर्जा दिया गया है, वही खूबसूरती हम अपनी आँखों से यहाँ पे निहार रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम कश्मीर को कहा गया है। बेताब वैली घूमने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब पहलगाम से वापस श्रीनगर के लिए, क्योंकि यहाँ एक दिन घूम के हम लोग पोनी राइड करके थक चुके थे। और अब हम लोग निकले हैं श्रीनगर के लिए। और ये जो रास्ता है श्रीनगर जाएगा अनंतनाग होता हुआ पहलगाम से, और पहलगाम से जब हम निकले हैं तो लगभग 5:30 बजे थे और लगता है शायद धीरे धीरे हमें रात हो जाएगी। श्रीनगर पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो व्यूज़ हैं बहुत अच्छे व्यूज़ हैं रास्ते के। और ये कई गांव से होते हुए और कई सेब के बागों को देखते हुए हम पहुंच रहे हैं श्रीनगर। और ये जैसे कई मूवीज़ कश्मीर को दर्शाती हैं, मूवीज़ में दर्शाया गया है, मैंने भी मूवी देखी है लेकिन नाम ध्यान नहीं है, उनमें इस तरह के रोड दिखाए गए हैं। और ये सेब का बाग रास्ते में हम लोगों को पड़ा, इसमें हम लोग वीडियो बनाने के लिए रुके। बाग का जो सेब का जो सीज़न है लगभग ख़त्म होने को है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पेड़ पर सेब देखने को मिले, लेकिन क्वालिटी डाउन होने की वजह से हमने इनको खाया नहीं। और ये जो रास्ते में हमें बाग मिला है, ये एक स्थानीय लोगों का पर्सनल बाग था, ये कोई वैसा बाग नहीं था जो प्रोफेशनल बड़े बड़े बाग होते हैं। छोटा सा एक बागीचा हमें ये मिला, पीछे इसमें एक नदी बह रही थी। इस नदी के पास जाने के लिए थोड़ा रास्ता कंजस्टेड था तो हम नहीं गए, सिर्फ इस बाग को हमने कैप्चर किया। बाग वैसे साफ़ सुथरा था लेकिन इसमें छोटे छोटे सेब नीचे भी गिरे हुए पड़े थे। ये देखिए छोटा सा सेब है, बहुत छोटा सा, और सेब पेड़ों के नीचे इस तरह बिखरे पड़े हैं जैसे हमारे यहाँ जामुन और अन्य चीज़ें पेड़ों से गिरकर नीचे जैसे पकने पर गिर जाती हैं, वैसे इस तरह सेब बिखरे हुए पड़े हैं कई पेड़ों के नीचे। और वो गिरकर ख़राब हो चुके हैं, यानी इतने दिनों से वो गिरे हुए हैं, तो जहाँ की फसल होती है वहाँ पे उसकी कदर नहीं होती है। और आप लोग समझते ही हैं कि सेब कितना एक महंगा फल है हमारे पूरे एरिए में, जहाँ पे पैदा होता है वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती। देखिए पेड़ों पर कितने अच्छे लग रहे हैं सेब लगे हुए। तो ये सीज़न ख़त्म होने को था जब हम यहाँ पे आए हैं, अब ये सोचिए कि जब सीज़न होगा तो क्या नज़ारा होगा। ये वही सेम रास्ते से हम जा रहे हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सेब के बाग ही बाग हैं, लेकिन रुकना हमने मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है
जल्दी से जल्दी हम श्रीनगर पहुंच जाएं और कोई अच्छा सा रूम लेके स्टे करें, क्योंकि पूरा दिन हो गया और पहलगाम में पोनी राइड करके हम लोग इतना थक गए थे क्योंकि वहाँ का जो ट्रैक है पहलगाम में पोनी को चलने के लिए, पहाड़ी एरिया है पूरा और पत्थर ही पत्थर है, ऐसा लगता है कि पोनी हमें लेके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गिरते नहीं हैं, वो बहुत ट्रेंड है। और देखिए हम ये श्रीनगर में पहुँच गए हैं, ये श्रीनगर है, बहुत खूबसूरत शहर हमें लगा, क्योंकि कश्मीर की राजधानी भी है, कैपिटल है ये। ये लाल चौक की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे एक मिलने वाले ने हमें वहीं पे बुलाया था, और होटल हम सोच रहे थे कि उसी के रेफरेंस से होटल लें, और लाल चौक की तरफ अभी हम जा रहे हैं। थोड़ा सा कैपिटल होने की वजह से ट्रैफिक भी आप देख रहे हो ज़्यादा है श्रीनगर में, लेकिन साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा शहर हमें लग रहा है ये। लाइटिंग डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आके लगता है कि ये हमारे इंडिया का ही एक सिटी है, लेकिन अदर पूरे कश्मीर में ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आए हुए हैं। ये यहाँ पे हमने देखिए डिनर के लिए अफ़गानी रेस्टोरेंट चुना और यहाँ पे ये खाना ऑर्डर किया, ये इस तरह से खाना आया। रात में डिनर करने के बाद हम यहीं पे स्टे किया, होटल सेम जैसे पहलगाम में 1,000 रुपये में रूम मिला था वैसे यहाँ भी हमें रूम मिला, और सुबह को हम निकल गए श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। और ये रोड्स देखिए, श्रीनगर से गुलमर्ग का ये रास्ता है। अभी हम मेन सिटी श्रीनगर में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी ड्राइव मैं ही कर रहा हूँ, और ड्राइव करने में इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी हो ही नहीं रही है। और अब तो रात को स्टे भी कर लिया था तो और भी बहुत आराम मिल गया था। ये मेन सिटी श्रीनगर है, और गुलमर्ग पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लगा, और गुलमर्ग से 15 किलोमीटर के करीब पहले कुछ लोग हमें मिलते हैं, एक स्लिप काट के देते हैं 50 रुपीज़ का, और बोलते हैं हमें लेके चलो साथ में, 200 रुपये देना और हम आपको सभी जगह अच्छे से घुमाएंगे और आपके एक दो टोल्स भी बचवाएंगे, और हमारी वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह आप वहाँ करते हो गुलमर्ग में। ये देखिए कई जगह रास्ते में हम लोगों को इस तरह के लोग मिले, और जो स्लिप वहाँ पे दिया था वो भी चेक किया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इन लोगों के झांसे में ना आए, इस रास्ते में कोई किसी तरह का टोल टैक्स नहीं होता, और जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है वो खुद जाके वहीं पे बारगेनिंग करके खुद से करें, क्योंकि यहाँ पे बारगेनिंग का ये हाल है। यहाँ पे हम पोनी राइड करते हैं तो पोनी वाले जो लोग हैं वो एक घोड़े का जो चार्ज है कोई 3,000 बताता है, कोई 2,500 बताता है, और पहलगाम में इसी तरह से हमें बताया गया तो हमने बारगेनिंग इतना ज़्यादा किया तो पर घोड़ा हमें जो राइड मिला वो मात्र 600 रुपये में वो एग्री हो गए, और 600 रुपये में ही उन्होंने पोनी राइड के लिए वो एग्री हो गए। लेकिन हाँ ये है कि पोनी राइड में मज़ा बहुत आता है, और पहलगाम बेताब वैली में उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है घूमने का, क्योंकि ऊंचाई पे पैदल तो हम जा नहीं पाएंगे, लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक वो हमें पोनी पर लेके हिल ट्रैकिंग कराते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमें गुलमर्ग में इसी तरह का सेम यहाँ भी देखने को मिला, यहाँ पे भी पोनी राइड का हमसे 2,000 पर राइडर मांगा गया, और लास्ट में बार्गेनिंग करते करते
यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बार्गेनिंग करने में, लेकिन यहाँ पर मात्र 1600 रुपये में 4 घोड़े उन्होंने दिए हमें। ये हम अब गुलमर्ग पहुँच गए हैं। यहाँ गुलमर्ग पे एक मैदान टाइप है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, टूरिस्ट को ले जाके यहीं पे उतार दिया जाता है। और ये लेफ़्ट राइट में गंडोला और आई लव गुलमर्ग का साइन है, जहाँ पे लोग फ़ोटोशूट कराते हैं। और ये यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है गुलमर्ग में, नवंबर की 15 तारीख है, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम सोच के यहाँ पे आए थे, क्योंकि गुलमर्ग में जो लोग जाते हैं घूमने के लिए वो बर्फ़ की वजह से ज़्यादा जाते हैं। गंडोला का हमें टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि गंडोला ऑनलाइन अवेलेबल होता है, और ऑनलाइन जब हमने चेक किया वहाँ पहुँच के, तो सभी स्लॉट्स ऑलरेडी बुक थे। वहाँ पे पोनी राइड वालों ने हमें बताया कि 15-20 दिन पहले आपको बुक करने पड़ते हैं, तब जाके गंडोला बुकिंग मिलती है। तो गंडोला से क्या है, मैंने सुना है कि गंडोला आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाता है, जहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ भी हमने देखिए वही पोनी राइड चुनी। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और अवेलेबल थे, वो 4-व्हील बाइक जो आती है उस पर भी घुमा रहे थे यहाँ पे, जैसे ये पोनी राइड वाले हम लोगों को पोनीज़ पर घुमा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, और ड्राइवर खुद चला रहा था और जो पैसेंजर्स थे उनको अपने पीछे बिठा के यहाँ ये पूरा जैसे हमें पोनीज से घुमा रहे हैं, वो उस 4-व्हील बाइक से घुमा रहे थे, जो हिल एरियाज में मनाली वगैरह में भी आपने देखी होगी। ये खूबसूरती देखिए गुलमर्ग की, जो ये मैदानी क्षेत्र लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, कश्मीर की ब्यूटी को 4 चांद लगाते हैं। और ये पोनी वाले भैया बता रहे हैं कि ये LOC एरिया है, ये लास्ट रोड है, आगे सब मिलिट्री आर्मी एरिया है, यहाँ से आगे जाना प्रोहिबिटेड होता है आम लोगों के लिए और विजिटर्स के लिए, सब के लिए। टूरिस्ट नहीं जा सकता, लोकल वाला कोई आदमी भी नहीं जा सकता। और ये यहाँ से होते हुए हमें पूरा गुलमर्ग का जो साइट सीइंग एरिया है ये घुमा रहे हैं पोनी पर। यहाँ पे हमें कोई डर नहीं लगा पोनी पर बैठ के, जैसा हमें वहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पहलगाम में, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैक था वो सेफ़ ट्रैक नहीं था, ऊंचा नीचा था और हिल एरिया वाला ट्रैक था। हिल भी इस तरह का था कि वहाँ पे पत्थर लगे हुए थे, और ऐसा लगता था कि जैसे पोनी हमें लेके गिर जाएगा, लेकिन जैसा मैं अभी आपको पहले भी बताया वो गिरते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और ट्रैक पर धीरे धीरे वैसे ही चलते रहते हैं जैसे उनको ट्रेंड किया गया है। और यहाँ पे देखिए विजिटर्स, यहाँ तक कि लेडीज़ और बच्चे भी पोनी पर इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े मैदानी ग्रीनरी वाले फील्ड हैं, और ये देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, बीच बीच में घर बने हुए हैं झोपड़ी नुमा, जैसा आपने पेंटिंग्स और सीनरीज में देखा है वैसा सेम नज़ारा हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बताया, यहाँ गुलमर्ग आएं या पहलगाम जाएं, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्विफ्ट से हम लोग गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर,
घूमे, मुजफ्फरनगर से आए थे हम लोग, और जो लोग दिल्ली से आते हैं उनको भी सेम ही एक्सपेंसेस पड़ेगा जो हमें पड़ा। 2 नाइट स्टे हमने, एक नाइट स्टे किया पहलगाम, एक नाइट श्रीनगर, एक नाइट पठानकोट, और रिटर्न में फिर पठानकोट हम स्टे करेंगे। हमारा जो ऑल ओवर एक्सपेंस आया मारुति स्विफ्ट 2023 मॉडल से, हम लोग 4 लोग यहाँ पे आए थे, 31,000 रुपये के करीब हमारा खर्चा आया, तो अप्रोक्स 7,700 रुपये के करीब पर पर्सन पर हमारा खर्चा हुआ। और बाय रोड नज़ारे देखते हुए और एडवेंचरस जर्नी हमारी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अपनी गाड़ी से जो मज़ा है कहीं भी घूमने जाने में, वो मज़ा हमें बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन नहीं आता। ये एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहली बार हम लोगों ने इतनी लंबी रोड ट्रिप की है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट तो हम कई बार बहुत जगह जा चुके हैं, और अब हम यहाँ गुलमर्ग से वापस अपने घर की तरफ निकल गए हैं। और ये श्रीनगर हाईवे से होते हुए हम रिटर्न निकल गए हैं, और आज रात में 3-4 बजे तक हम स्टे करेंगे पठानकोट पहुंच के, और पठानकोट में रुक के सुबह वहां से निकलेंगे और सीधे मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। और हमें उम्मीद है लगभग 2-2.5 बजे तक हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। और यही मैं कहना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं ये 100% जो मैंने खुद फेस की हैं वो सभी चीज़ें आपको बताई हैं। यही खर्चा है 100%।